आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। दिल्ली से सटे हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। थाना धौलाना के एक गांव के मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी ने 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी मौलवी डरा धमकाकर बच्ची के साथ कई माह से रेप कर रहा था। किशोरी उर्दू पढ़ने के लिए मौलवी के पास जाती थी। किशोरी जब गर्भवती हुई तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना धौलाना क्षेत्र में वादी मुबारक अली द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की को मौलवी के रूप में साजिद नाम का व्यक्ति पढ़ाता था, उसने उसके साथ गलत काम किया है। तत्काल सूचना पर लड़की का मेडिकल कराया गया, साथ ही साथ साजिद अली को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और समझ विधि कार्रवाई पूरी कराई। सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। उर्दू गेट गिराए जाने के बाद आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल के कब्जे से यूनानी अस्पताल भवन खाली करा लिया गया और अब रामपुर में SIT की टीम ने डेरा डाल रखा है। SIT की टीम रामपुर पब्लिक स्कूल के बॉयज स्कूल पहुंची, जहां कागजात चेक किए गए। इस कार्रवाई को आजम खान ने चुनाव प्रभावित करने के लिए योगी सरकार की कवायद करार दिया। विश्वविद्यालय की दीवार गिराना, उर्दू गेट को गिरा देना, RPS किड्स में बच्चों को ठोकरों से बाहर कर देना, उनके सामान को फेंकना, शहर में अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू, बेशुमार पुलिस कर्मियों को स्कूल के अंदर और बाहर तैनात करना जिससे टीचर्स तक रोने लगें, RPS इंटरनेशनल में दहशत का माहौल पैदा करना, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, RPS बॉयज में इस वक्त कब्जा है, इन सब चीज़ों को लेकर हम चाहते हैं कि वो हमारा घर गिरा दें, लेकिन इन शैक्षिक संस्थानों को जो कि शिक्षा के मंदिर हैं, हाँ ये हम मानते हैं कि इसमें ज़्यादा तादाद मुसलमान बच्चे और बच्चियों की है, ये हम मानते हैं, ये ज़रूर मानते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सिटी की पानी की टंकी का कनेक्शन काटा गया। इन स्कूलों को, इन मासूमों के मुस्तकबिल को, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, कल के हिंदुस्तान का, इन्हें पुलिस के और फौज के जूतों से और ठोकरों से न कुचलें। अब फिर एक बार हम कहते हैं रामपुर को कश्मीर न बनाएं और इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2019 को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में SSB की एक बटालियन के साथ सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने बांसी कोतवाली, उसका थाना क्षेत्र और लोटन थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर संवेदनशील गाँवों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर से होकर प्रयागराज जा रहे नेशनल हाईवे 2 से गुजरने वाले राहगीरों को एक बार फिर जाम से जूझना पड़ा, क्योंकि उनके वाहनों के साथ साथ चल रहा मिनी ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। मिनी ट्रक को धू धू कर जलता देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। आग के कारण पीछे से गुजर रहे वाहनों को रुकना पड़ा, जिससे लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चकेरी थाने की पुलिस ने दमकल अधिकारियों को सूचना दी। जाम की वजह से देर में पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। कानपुर में एक बाइक चोर ने नाक के नीचे पुलिस को चुनौती दी है। दरअसल पूरा मामला किदवई नगर के उस पिकेट पॉइंट का है, जहां हमेशा पुलिस का पहरा रहता है। बावजूद इसके बाइक चोर पुलिस की नाक के नीचे से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वाहन चोर ने बाइक स्टार्ट करने के लिए पूरा समय लिया और कई प्रयासों के बाद बाइक स्टार्ट हुई तो वो लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीस मार्च को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी दौरे पर होंगी, लिहाजा उनके आने की तैयारियों को लेकर कांग्रेसियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन बैठक में अपनी बात रखने से रोकने और पहचान पूछने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि शुलटंकेश्वर के महेंद्र प्रताप सिंह अपनी बात कह रहे थे, लेकिन महानगर अध्यक्ष ने उन्हें रोकते हुए पहचान पूछ ली, जिस पर महेंद्र प्रताप नाराज हो गए और जमकर हंगामा किया। सोनभद्र में पुलिस कर्मियों से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बीती 7 मार्च का बताया जा रहा है। पड़ोसी से नाली के विवाद में दो पुलिस कर्मी पिपरी थाना क्षेत्र के चाचा कॉलोनी स्थित एक घर में गए थे, जहां एक महिला और उसके दो भाइयों ने पुलिस कर्मियों पर नशे में होने और महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और दोनों पुलिस कर्मियों से जमकर मारपीट की। लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। पुलिस कर्मियों की तहरीर पर मामला दर्ज कर दो युवकों को जेल भेजा गया है।
रामनगर में होली का त्यौहार नजदीक आते ही मिलावटी सामग्री के खिलाफ खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने शहर भर में अभियान चलाकर खोया, दूध, मिठाई समेत तमाम खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे। विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। रुड़की के IIT में चलने वाला तकनीकी महोत्सव कॉग्निजेंस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश के नामी ग्रामी संस्थानों से छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई शहरों से तकरीबन 3000 छात्र छात्राएं महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। इनमें IIT रुड़की के भी छात्र शामिल हैं। महोत्सव में 200 से ज्यादा इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। आप जो देख रहे हो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब इसे हम मानवी रोबोट बोलते हैं, और ये मशीन लर्निंग AI पे बेस्ड है। मतलब इसमें आप जो चीज को सिखाओगे ये बिल्कुल वो चीज़ वैसे करेगा। तो मैं इसको बोलूँ ये चीज़ मुझे करनी है, वो वैसे ही करेगा बिल्कुल, बिना कोई प्रश्न पूछे। और क्या इसकी खास खासियत रहेगी? खासियत वही है कि ये जैसे बोला कि आप कोई चीज़ करना, जैसे आप अपना सर दबाना चाहते हो, या आपको चाय लेके देना हो, या आपका घर साफ करना हो, आप इसको वो चीज़ आप बोलोगे, कमांड करोगे, ये बिल्कुल वैसे करेगा। मैनुअली आपने तैयार किया है? हाँ, ये मैंने तैयार किया है। ये 18 साल का रिसर्च है, ये मेरा तीसरा ह्यूमनॉइड है, और अभी इसके आगे बेहतर ह्यूमनॉइड्स विकसित हो रहे हैं और आपको जरूर देखने मिलेंगे। अभी इसका एक कमर्शियल वर्जन भी मार्केट में आने वाला है, जो आप खरीद सको। ये है 2009 कॉग्निंस, ओके। ये यहाँ पे हर साल होता है और हम लोग अपने अपने रोबोट्स बनाते हैं, ओके। वेट कैटेगरी के हिसाब से होता है, 30 kg, 35 kg के इस बार हो रहा है, और हम लोग ने बहुत मेहनत किया है। 1-1.5 महीने से हम लोग ने कंटिन्यूसली मंथ बनाया है, और यहाँ पर हर स्टेट से आते हैं हम लोग। MP से आए हैं, जैसे यहाँ के, जैसे यहाँ IIT से भी निकले हैं, वहाँ पर साइड बना रहे हैं। अभी तो हमारी टीम में 8 मेंबर्स है, ओके। 10 मेंबर्स अलॉटेड होते हैं, और हर किसी का अपना अपना एक खास हुनर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इलेक्ट्रिकल कामों में अच्छा होता है, कोई मैकेनिकल में, कोई डिज़ाइन में, कोई बैटरी में, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट जब इकट्ठा होते हैं हमारी टीम में, तब जाके हम लोग ये डिज़ाइन करते हैं। अमृतसर के गोपाल नगर मजीठा रोड पर उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक स्कूली छात्र के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। छात्र का भाई छुड़ाने गया तो लोगों ने उसको भी पीट दिया, जिसमें भाई को काफी चोटें आई हैं। इस मामले में मजीठा रोड थाने की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।